हेलो फ्रेंड्स, मैं सुषमा सिंह आज बनाने जा रही हूँ करौंदा हरी मिर्च अदरक का चटपटा इंस्टेंट अचार। ये खाने में बहुत अच्छा लगता है और करौंदे बरसात के मौसम में ही आते हैं। अब हम इसके लिए जो सामान चाहिए वो इस प्रकार है: मोटी सौंफ, काली सरसों 1 छोटा चम्मच, मोटी सौंफ 2 चम्मच लिए मैंने, कलौंजी आधा छोटा चम्मच, मेथी दाना आधा छोटा चम्मच, जीरा 1 छोटा चम्मच, हल्दी 1 छोटा चम्मच, नमक स्वाद के अनुसार और पिसी हुई लाल मिर्च 2 मैंने साबुत मिर्च ली हैं, ये 2 बड़ा चम्मच, सरसों का तेल 1 छोटा चम्मच, सिरका और थोड़ा कटा हुआ अदरक। अब हम सबसे पहले तेल को गरम करेंगे। ये सब्जी आप सरसों के तेल में बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छी लगेगी, वैसे आप इसे रिफाइंड ऑयल में भी बना सकते हैं। आप चाहे इसे सब्जी की तरह खाएं, चाहे इसको अचार की तरह खाएं। सिरका डालने के कारण यह 15-20 दिन आराम से चल जाता है। अब हम तेल को अच्छा सा तेज़ गरम करेंगे। ये देखिए, मैंने 200 ग्राम करौंदे लिए हैं और इनको इस तरह से 2 हिस्सों में काट लिया और इसके बीज मैंने निकाल दिए हैं। और 100 ग्राम हरी मिर्चें लिए हैं, वो मैंने इस तरह से पीसेस में काटी हैं। आप अपनी मनचाहे आकार में इसको काट सकते हैं, बड़ा या छोटा। हमारा तेल गर्म हो चुका है। अब मैं सबसे पहले इसमें जीरा डालूंगी, काली सरसों, सौंफ, कलौंजी, मेथी दाना और ये 2 साबुत लाल मिर्च। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है सरसों के तेल के साथ मसालों की। अब मैं तेल में हल्दी डाल रही हूँ कि 1 बड़ा चम्मच लिया है मैंने अच्छे से भरकर, और आधा छोटा चम्मच हरी मिर्च, नहीं लाल मिर्च है ये, सॉरी। अब मैं इसमें अदरक के टुकड़े डाल रही हूँ। अच्छे से भूनने के बाद पहले मैं इसमें हरी मिर्च डालूंगी, इनको थोड़ा सा भून लूंगी। मैं इसमें ये करौंदा डाल दिया। मैंने अभी नमक नहीं डाला है, मैं नमक अभी थोड़ा सा रुक करके डालूंगी, पहले मैं इसको थोड़ा सा भूनूंगी। ये देखिए, मैंने इसे 2-3 मिनट भूना है। मैं इसमें नमक डालकर इसको पकाऊंगी। नमक आप अपनी इच्छा के अनुसार घटा बढ़ा सकते हैं। मैं इसको ढककर 5 मिनट पकाऊंगी। मैं करौंदों को देख रही हूँ कि किस तरह से हो गए हैं। देखिए, करौंदा गल चुका है। अब मैं इसमें 2 छोटा चम्मच चीनी डालूंगी। मुझको ये खट्टे मीठे पसंद है, अगर आपको खाली खट्टे चाहिए तो आप चीनी ना डालें, ये खट्टे मीठे का स्वाद बहुत अच्छा आता है। अब मैं इसको थोड़ा सा तेज आंच करके इसको भूनूंगी। ये देखिए, इस तरह से करौंदे और हरी मिर्च पक गए हैं। अब मैं इसमें 1 छोटा चम्मच सिरके का डालूंगी, ये सीजन मेटिंग का काम करेगा और थोड़ा इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा हो जाता है। देखिए, हमारी ये सब्जी तैयार हो गई है।
हमने इसको एक कंटेनर में निकाल दिया। ये देखिए करौंदे और हरी मिर्च की सब्जी तैयार है। आप इसको इंस्टेंट अचार भी कह सकते हैं। इसको आप 10 से 15 दिन तक फ्रिज में भी रखिए तब भी अच्छा रहेगा, और नहीं तो बाहर भी रखकर इसको आप खा सकते हैं। आप इसको पराठे के संग खाइए, दाल चावल के संग खाइए, या मटरी के संग खाइए, जैसा आपकी इच्छा हो वैसे इसको खाइए। यदि आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी रेसिपी को लाइक कीजिए। थैंक यू।